तो दोस्तों, आप भी एक YouTube क्रिएटर है और YouTube पे वीडियो बनाते हैं और आपके 500 सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं मिला है, कम्युनिटी टैब नहीं खुला है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग को आप अपने चैनल पे यूज करते हैं तो आपका भी कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना कम्युनिटी टैब कैसे इनेबल करें। तो दोस्तों, उससे पहले एक वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, YouTube से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन पे और आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कि YouTube कम्युनिटी टैब कैसे इनेबल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे फोन की स्क्रीन पे हम और यहाँ पे आपको YouTube ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ YouTube आपको ओपन करना है। तो दोस्तों, YouTube में आने के बाद आपको एक बार चेक करके जरूर देखना है कि आपका कम्युनिटी पोस्ट अनेबल हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सिंपली आपको यहाँ चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। जब आप चैनल के लोगों पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, सिंपली योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। फिर यहाँ थोड़ा आप इधर करते हैं तो ये आपको देखिए यहाँ कम्युनिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये कम्युनिटी मेरा इनेबल है और यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट करने का भी ऑप्शन खुला पड़ा है। और दोस्तों, दूसरा तरीका यहाँ से है, ये आप प्लस के आइकन पे यहाँ क्लिक करते हैं नीचे में तो आपको यहाँ क्रिएट ए पोस्ट का ऑप्शन नज़र आता है। ये इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे चेक करते हैं कि हमारा कम्युनिटी पोस्ट खुला है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अपना कम्युनिटी टैब कैसे इनेबल करें। तो दोस्तों, यहाँ से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको यहाँ शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। शेयर पर क्लिक करके हमें यहाँ कॉपी लिंक पर क्लिक करना है। कॉपी लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे चैनल का जो लिंक है वो कॉपी हो जाता है। और दोस्तों, फिर हमें यहाँ थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ हेल्प एंड फीडबैक पर जाना है। हेल्प एंड फीडबैक पर जाने के बाद दोस्तों, हमें खुद यहाँ से अप्लाई करना है कम्युनिटी टैब के लिए। तो दोस्तों, किस तरह से हम कम्युनिटी टैब के लिए अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ आपको सेंड फीडबैक पे जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखना है आपको ये मैं बताऊँगा बिल्कुल बारीकी से। दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है तो क्या लिखना है दोस्तों यहाँ पे, डियर यूट्यूब टीम, आई हैव कम्प्लीटेड माई 500 सब्सक्राइबर्स ऑन माई YouTube चैनल बट स्टिल नॉट कम्युनिटी टैब इज नॉट एनेबल, प्लीज एनेबल माई कम्युनिटी टैब एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, ये लिख के और यहाँ पे माई चैनल लिंक लिख देना है और नीचे जो चैनल का लिंक हमने कॉपी किया था वो चैनल का लिंक यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे धीरे से यहाँ टैप करके रखना है 1-2 सेकेंड तक और उसके बाद यहाँ पेस्ट के ऑप्शन पे आपको पेस्ट कर देना है और ये चैनल का लिंक आपका इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या करना है आपको, ये सबसे ऊपर वाले यहाँ पे इस जगह आपको क्लिक करना है सेंड फीडबैक पे और आपका ये फीडबैक यूट्यूब के पास चले जाएगा और दोस्तों आपका भी कम्युनिटी टैब आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।